आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। शहर के मशहूर पार्श्व गायक चंचल उपाध्याय ने संगीत प्रेमियों के लिए मुकद्दर का सिकंदर फिल्म के टाइटल सॉन्ग को विजुलाइज किया है। गीत की शूटिंग तारनगरी की विभिन्न लोकेशन पर की गई है। शहर के मशहूर पार्श्व गायक चंचल उपाध्याय ने संगीत प्रेमियों के लिए मुकद्दर का सिकंदर फिल्म के स्टाइल डायलॉग को विजुलाइज किया है। गीत की शूटिंग ताज नगरी की विभिन्न लोकेशन पर की गई है। रोते हुए आते हैं सब, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। पार्श्व गायक चंचल उपाध्याय ने बताया कि कोविड 19 के दौर में लोगों में निराशा का भाव उत्पन्न हो गया है। इसको कुछ कम करने के लिए उन्होंने यह प्रयास किया है। इससे पहले भी वह किशोर दा के दो गीतों को विजुलाइज कर चुके हैं। इन्हें हजारों की संख्या में संगीत प्रेमियों ने YouTube चैनल के माध्यम से देखा है। अभी देखिए, कोविड 19 पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, लोगों में निराशा का भाव है, लोग त्रस्त हैं। जैसा कि पहले भी मैंने दो तीन गाने यूट्यूब के माध्यम से बनाए किया, एक बार फिर किशोर दा का एक गीत मैं फिर एक नए अंदाज में लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसको बहुत ही अच्छे ढंग से शूट किया गया है। और सारी शूटिंग सारी लोकेशन हमारे आगरा शहर की ही हैं। कई अलग अलग स्थानों पर इसको हमने शूट किया है और निश्चित तौर पर ये लोगों को पसंद आएगा। और मेरी यही कामना है, सभी लोगों से अपील है कि इस गीत को अधिक से अधिक देखें। मेरा पहला गीत था जब तक मैंने समझा, वो करीब 4,500 लोगों ने उसको देखा। उसके बाद मैंने भोले ओ भोले डाला था गाना, उसको बनाया, वो भी काफ़ी अच्छा गाना चला, वो करीब 6,000 लोगों ने कमेंट्स आए। सन 2008 में चंचल उपाध्याय ने लगातार 48 घंटे किशोर दा के गीतों को गाकर गिनीज बुक रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था। सी न्यूज़ के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।